रेनबो पार्ट टू का जो अगला चैप्टर है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसको लिखा है बर्टन रसेल ने, इस चैप्टर से जो भी कठिन शब्द हैं मैं उसे लेकर के आया हूँ, और इसको ध्यान से देखेंगे सुनेंगे। कंसिप्शन, कंसिप्शन मतलब होता है धारणा या विचार। डिवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, विविधता। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक। इंड्यूबिटेबल, इंड्यूबिटेबल का मतलब होता है जिसमें कोई संदेह नहीं हो, मतलब संदेह रहित। होमोसेपियंस मानव जाति को कहा गया है। हर्सियूट का मतलब रोएदार बालों वाला, जैसे बंदर है तो हर्सियूट है उसमें। कॉन्जिनाइटल जन्मजात, जैसे आप सांप पर ढेला फेंकेंगे तो उसका एक जन्मजात प्रवृत्ति है कि वह जो है सो फन मारेगा ही, जन्मजात प्रवृत्ति। कैटेस्ट्रॉफ मतलब एकाएक जो भारी विनाश आता है उसको कहते हैं कैटेस्ट्रॉफ। कर्बिंग का मतलब होता है पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन, रोक। इरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, पंडित। डिप्रिडेशन का मतलब होता है लूटपाट, डिप्रिडेशन, लूटपाट। मल्टीप्लिसिटी मतलब बहुतायत, अधिक मात्रा में। अडेमेंट का मतलब होता है दृढ़, अटल। फेच का मतलब होता है जाकर लाना, जिसे फेच ए डॉक्टर मतलब जाकर करके डॉक्टर को ले आओ, बुला लाओ। जाकर लाना का अंग्रेजी होता है फेच। ब्रूट्स का मतलब होता है खूंखार पशु। ह्यूमेन का मतलब होता है दयालु, काइंड। प्रोपिशस का मतलब होता है शुभ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव विज्ञानी। मोलक, मोलोक जो है फसल के देवता है, मतलब जिसमें जो है बच्चों की बलि दी जाती थी, और बच्चों की बलि इसलिए दी जाती थी ताकि मोलोक जो देवता हैं ये खुश होकर, खुश होते हैं और जो है पैदावार ज्यादा होती है, ऐसा लोगों का सोच था। उस देवता का नाम है मोलोक। इवेंजेलिकल्स मतलब जो ईसाई धर्म दो भाग में बटे हुए हैं, एक प्रोटेस्टेंट है और एक कैथोलिक है, तो जो प्रोटेस्टेंट ईसाई होते हैं उनको इवेंजेलिकल्स कहा जाता है। प्री रेक्विजिट, पहले से ही आवश्यक, पहले से ही आवश्यक है, जरूरी, उसको प्री रेक्विजिट। रेक्विजिट मतलब जरूरी, आवश्यक। अब प्री रेक्विजिट मतलब पूर्व से ही आवश्यक। देंस का मतलब वहां से, वहां से फिर आगे। पैसिफिस्ट शांतिवादी को कहा जाता है, जो शांति में विश्वास रखते हैं, शांतिवादी। प्रोलिफिक मतलब उपजाऊ। एटीट्यूड का मतलब ढंग। कैंडर का मतलब निष्कपट, सरल, निष्कपट। वाइन का मतलब होता है विलाप करना, वाइन विलाप करना, कंसीडर विचार करना। प्रिकारियसली अनिश्चित रूप से, अनिश्चित ढंग से जीते थे, किसी कोई जंगल में शेर रहते थे, बहुत तरह के खतरनाक जानवर, वैसे स्थिति में जंगल में जो व्यक्ति रहते थे, जो मानव जाति रहती थी, वह प्रिकारियसली रहती थी, अनिश्चित रूप से, मतलब कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। सबसिस्ट मतलब जीवित रहना, सबसिस्ट ऑन, सबसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है। नरिशमेंट मतलब पोषण, भरण पोषण, नरिशमेंट। रिज्वाइस खुशी मनाना। एक्वायर्ड प्राप्त किया हुआ, पहले से ही प्राप्त किया हुआ। जैसे देखिए नॉलेज दो तरह का होता है, एक एक्वायर्ड नॉलेज जिसको पढ़ लिख करके समाज में रह करके जिस नॉलेज को हम प्राप्त करते हैं वो होता है एक्वायर्ड नॉलेज, और एक होता है कॉन्जिनाइटल, आप पढ़े होंगे,
जो जन्मजात से ही रहता है। तो जन्मजात का जो जो प्रवृत्ति होता है वो जानवरों में पाया जाता है, और एक्वायर्ड जो है यह अधिकतर व्यक्ति में पाया जाता है। फॉर थॉट मतलब दूरदर्शिता, इंपल्स मतलब उमंग, डिनाई मतलब अस्वीकार करना, फेरोसस मतलब बर्बरतापूर्ण, निर्दयता ढंग, निर्दयता पूर्वक, इन्फेंसी मतलब आरंभिक अवस्था, इन्फेंट मतलब शिशु होता है तो वह आरंभिक अवस्था हुआ, इंटेंशन इरादा, इंटेंड वर्ब से बना है, आई एन टी ई एन डी, इंटेंड मतलब इरादा करना, इंटेंशन बना इरादा, कैनिबलिज्म नरभक्षी, फॉरसीन पहले से अनुमानित, एग्रीएबल मतलब रुचिकर, रुचिकर भी कह सकते हैं, सुहावना भी कह सकते हैं, हैंड ऑन सुपुर्द करना, ओमेंस, ओमेंस मतलब लक्षण कि शुभ है या अशुभ के लक्षण देखे जाते हैं, उसको लक्षण के लिए हम ओमेंस का प्रयोग करते हैं, प्रिवेल मतलब विजय प्राप्त करना, स्पेक्टेकल मतलब दृश्य, लिसन मतलब कम करना, संख्या को कम करना, तनाव को कम करना, इस सब में लिसन का प्रयोग होता है, डोमिनेट मतलब हावी होना, एज्यूम मानना, स्टार्वेशन भूखमरी, प्रिजम्बली मतलब शायद या संभवतः, स्नूज मतलब झपकी लेना, एवर्ट मतलब टालना, एंजाइटी मतलब चिंता, सेवेज मतलब क्रूर, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, इवोल्यूशन विकास, फर्टिलिटी उर्वरता, फर्टिलिटी मीन्स उर्वरता, कन्फिस्केटेड जब्त, कन्फिस्केट मतलब जब्त करना होता है, सीज करना, तो कन्फिस्केटेड जो है उसका मतलब जब्त। इस तरह से आपका जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का जो कठिन शब्द था उसको मैंने आपके सामने रखा। आप वोकैबुलरी में निश्चित रूप से मेहनत करेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट शब्द और कठिन शब्द है मैंने उसका उल्लेख किया है। ठीक है, धन्यवाद।